माँ शारदे शरद पूर्णिमा में आप करें बहुत ही उत्तम पांच कार्य। अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा को हम क्या करते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा में समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी क्षीर सागर से पैदा हुई थी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही खास माना जाता है। कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पे सवार हो करके पृथ्वी का विचरण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप उस रात में कोई खास उपाय करते हैं तो आपके घर में धन वर्षा होगी और आप करोड़पति बन सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय है क्या है कि आप अपने घर की साफ सफाई कर लें। जैसा कि आप लोग को पता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आपको ये जो मैं उपाय बताती हूँ ये सारे उपाय आपको सुबह में ही करना है, सूतक काल से पहले। तो आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। सूतक काल जो है वो 4:30 बजे तक रहेगा और शरद पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वो 4:17 पे शुरू हो जाएगा और सूतक काल तक ही रहेगा। तो आप लोगों को जो भी शरद पूर्णिमा के लिए उपाय करना है वो इसी के बीच में करना है। तो आपको देवी लक्ष्मी की आपको कृपा बनी रहे तो आपको क्या करना है, साफ सफाई कर लें। असत्य पे सत्य की जीत होगी, हमेशा आपका जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आप घर में साफ सफाई करते हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान जहाँ पे भी आपका बिजनेस है वहाँ पे भी साफ सफाई करिए। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन लक्ष्मी का वास होता है और अगर आप घर को स्वच्छ रखते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करती है। आप उस दिन अपने दरवाजे पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए हल्दी और कुमकुम से और उसके बाद माँ लक्ष्मी के पैर आप बाहर से अंदर की तरफ आते हुए अगर बनाते हैं साफ सफाई करने के बाद, तो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपका घर धन संपत्ति से भर देती है। खीर आप अवश्य बनाएं, कहते हैं कि उस दिन दूध की खीर बनाने से और उसको पूर्णिमा के चांद के नीचे रखने से कहा जाता है कि अमृत बरसता है और अगर इस खीर को परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं तो वो उनको जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है उनसे उन्हें छुटकारा मिलता है। तो आपको लक्ष्मी जी को मिश्री शक्कर दूध या मेवे का या फिर रबड़ी का आप भोग लगाइए और उसके बाद खीर बना करके उसको आपको पूर्णिमा के चांद के नीचे रखना है। लेकिन इस बार आप चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इस बार आपको ये कार्य चंद्र ग्रहण के बाद करना है, यानी चंद्र ग्रहण 1:00 रात को 29 अक्टूबर 1:06 पर शुरू हो जाएगा और ये 2:24 तक रहेगा। तो आप बनाएंगे, आप चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाइए और उसको फिर रख दीजिए और तब आप उस खीर घर के लोग सेवन करेंगे तो उससे आपको काफी लाभ होगा। सेहत के लिए ये खीर खाना बहुत ही उपयोगी है। आपको तीसरा उपाय क्या करना है, इस दिन आपको लगातार मंत्रों का जाप करना है क्योंकि शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको रात भर सोना नहीं है, जागरण करना है और जागते रहना है, लक्ष्मी जी की उपासना करनी है। लक्ष्मी जी के बीज मंत्र, विष्णु भगवान का बीज, कनक धारा मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, अगर आप इन सब का पाठ करती हैं तो लक्ष्मी जी रातों रात आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए आपका घर धन धान्य से भर देती है। आपको जो चौथा उपाय करना है कि तुलसी की पूजा आप अवश्य करें क्योंकि उस दिन 4:32 पर सूतक काल लग जाएगा। तो आप अगर तुलसी के क्यारे में दीपक जलाना चाहती हैं तो आप घी का दीपक दोपहर में भी जला करके पूजा कर सकती हैं, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाएं तो उसमें जल समर्पित करें, दूध चढ़ाएं, विष्णु जी को दूध बहुत पसंद है और उसके बाद उसमें आप घी का दीपक जलाएं, स्नान ध्यान करके और जो भी मौली सिंदूर टीका जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं और सफेद मिष्ठान अवश्य चढ़ाएं, भोग लगाएं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं तो आपके घर को धन धान्य से भर देते हैं।
करना यानी पांचवा उपाय। पांचवा उपाय आपको ये करना है कि माँ लक्ष्मी को जो पान होता है वो अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन पान के पत्तों को उनके चरणों में अर्पित कीजिए और पान का उन्हें भोग लगाइए और उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांध करके अपनी अगर आप तिजोरी में रख देते हैं तो कहा जाता है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।